शेमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। इस जानवर को रवि कहते हैं। तेरे भाई ने मेरी बहन की इज्जत को उछाला था। और तुम्हारी बहन विधवा के बहुत बढ़ जाए। लक्ष्मी अगर तुम्हारी बहन है तो मेरी पत्नी भी है। कौन बेटी, किसकी इज्जत, किसकी पत्नी? एक रस्सी मेरे गले में बांधकर मेरा जीना हराम कर दिया, अब दूसरी रस्सी से मेरा मरना नाकाम करना चाहते हो? इसलिए कि अगर मैं अचानक मर गई तो मुझे तड़पा तड़पा कर मारने की खुशी तुम्हें नसीब नहीं होगी। और तुमने ये रास्ता क्यों अपनाया मैं अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि तुम मेरा मुकाबला ना कर सकी और हार गई, इसीलिए तुमने तालाब में छलांग मारने का फैसला कर लिया ताकि तुम्हारे खून का इल्जाम मेरे सर पर आए। पको मत, मुझे इस फैसले पर मजबूर करने वाले तुम हो। तुम तो मुझे पहले ही मार चुके थे। तुम्हारी जिंदगी का तो एक ही मकसद है कि अपने से ऊंचे लोगों को तुम अपनी तरह नीचा बनाओ। मेरा दोष क्या है? यही कि मैंने एक ऐसे माहौल में जन्म लिया जिनके असूल तुम्हारे असूलों से अलग है। इसलिए एक स्त्री के लिए एक पुरुष के दिल में जो हमदर्दी की भावना होनी चाहिए उसे परे रखकर तुमने मेरे साथ हैवानों का सलूक किया है। तुम सचमुच एक इंसान नहीं हैवान हो। रो, जी भर कर रो, ताकि तुम्हारे सर पर जो जुनून सवार है वो उतर जाएगा। तुम्हारा इल्जाम यही है ना कि मैंने तुम्हारी खुशियों का खून कर दिया है? मैं जब तक जिंदा हूँ तुम्हें चैन नहीं मिलेगा। ठीक है, जिसने तुम्हारी खुशियों को मिटाया है तुम अपने हाथों से उसे मिटा दो, ताकि तुम्हारी खोई हुई खुशियां फिर से लौट आए। लो, मैं तैयार हूँ, निकाल लो अपना गुस्सा मुझ पर, धकेल दो मुझे इस तालाब में। यहाँ आते वक्त तुम्हारे मन में जो खुशी नहीं थी, जाते समय तुम्हारे मन में जरूर होगी। दे दो धक्का मुझे। झिझक क्यों रही हो? अगर मेरी मौत तुम्हारी जिंदगी संवार सकती है तो मैं खुशी खुशी मरने के लिए तैयार हूँ। बस और धक्का दे दो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सौगंध खा के कह रहा हूँ, अगर तुम्हें हिम्मत है तो मेरे तीन गिनने तक मुझे धक्का मार के तालाब में गिरा दो। एक, दो, तीन। तुम्हें हिम्मत नहीं है, बुज़दिल हो तुम, इसीलिए तुम मरने के लिए चली आई। गरीबों को तुमने एकदम नीच समझा है, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ जीना पसंद नहीं। तुम्हें मेरे साथ जीने के लिए मजबूर करने वाला ये कला धगाई है ना? एक बार, सिर्फ एक बार तुम मुझे छूने की इजाजत दो, मैं खुद उस धागे को तुम्हारे गले से निकालकर फेंक देता हूं। उसके बाद तुम आजाद हो, जहां चाहे जा सकती हो, जो चाहे कर सकती हो, लेकिन जब तक मैं हूं तुम मर नहीं सकती। और सुनो, आज के बाद तुम मुझसे पूछे बगैर अपने मैके नहीं जाओगी। चलो घर चलो। शादी और मैं तुमसे कभी नहीं। मगर क्यों, तुझे क्या ऐतराज है? देखो मेरे प्यार के तोते, तुमने अभी तक रंभा को सिर्फ सूंघा है, उसे पहचाना नहीं। तुम समझते थे कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, है ना? वो तुम्हारी गलत फहमी थी, मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। मैंने तुम्हें कभी उस नजर से देखा ही नहीं। मैंने तो जानू तुम्हें सिर्फ ठासा था, वो भी इसलिए कि तुम्हारे कंधे पर सवार होकर रवि को ठोकर मारूंगी, उससे अपना बदला लूंगी। रवि? ये हमारी कहानी में रवि कहां से टपक पड़ा है? कहानी तो रवि से ही शुरू होती है प्यारे, बीच में तो तुम आ गए हो। मैं मरती थी उस पर, उसके सामने अपना दिल रख दिया, खुद को उसके हवाले कर दिया, मगर उसने मुझे ठुकरा दिया, सलील करके धुतकार दिया। मेरे मन में बदले की आग उठी, मैं किसी भी हालत में उससे बदला लेना चाहती थी। मेरी नजर तुम पर पड़ी, तुम्हारे जरिए मैं उसकी बहन का घर उजाड़ सकती थी, हर यही सोचकर मैंने तुम्हें फांसना शुरू कर दिया, क्योंकि वो अपनी बहन को बहुत चाहता है, उसका घर बचाने के लिए वो मेरे पास जरूर आता। अबे कमीनी! ए, 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 मैं कोई तेरी बीवी नहीं जो मार खा के चुप हो जाऊंगी। एक उंगली लगाएगा तो चिल्ला चिल्ला के सारे गांव को जमा कर लूंगी, समझा? अबे चल निकल जा, बाहर निकल। अब तेरे घर में बचा ही क्या है, तेरे जैसे तो हजार नौकर रख सकती हूँ मैं, जरूरत हो तो आ जाना। अबे चल निकल जा। मैंने आपसे कब कहा कि मैं दूसरी शादी करने वाला हूँ?
तो मैंने तुमसे कब कहा कि तुमने मुझसे कहा कि तुम दूसरी शादी करने वाले हो? क्या मतलब? मतलब ये कि इन्होंने बंडल मार दिया। लेकिन क्यों? अरे भाई, तुम्हारी बीवी अपने बाप के घर जाके बैठी हुई है, तुम्हारी बेइज्जती होगी कि नहीं? काम वाले कैसी कैसी बातें करते हैं, इसलिए मैंने कहा भाग। इसको कहते हैं कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। अरे ठीक से बोलो। इसको कहते हैं बुखार चढ़ाकर बुखार उतारने वाला नुस्खा। अरे कैसा नुस्खा? ये वो नुस्खा है जो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। देखो, अगर किसी औरत को ये पता चले कि उसका मियां दूसरी औरत से शादी करने वाला है तो उसके मन की कड़ाई में उबाल आ जाएगा, और अगर किसी मर्द को ये पता चले कि उसकी बीवी किसी और मर्द का हाथ थामने वाली है तो उसकी मर्दानगी खतरे में आ जाएगी। ऐसा बारूद बन जाएगा जो आग से तो आग से पानी से भी आग पकड़ लेगा। इसको कहते हैं एक दिया सलाई से दो धमाका। कैसा लगा मेरा नुस्खा? नीम हकीम, खतरा है जान जैसा। बोलो बेटा, अभी बोलो। जिस दिन धमाका होगा पूरा गांव धमाके से हिल जाएगा, तब तुमको मेरे नुस्खे की कदर होगी। अरे बहुत अच्छे। क्या बात है, आज काम करने वाली औरतें कम लग रही हैं। ए तुलसी, तेरी बहन काम पर नहीं आई? घर में छोटे बच्चे को बहुत बुखार चढ़ा है, इसलिए नहीं आ पाई। फिर तो मुश्किल हो जाएगी। आज शाम तक सारे पौधे लग जाने चाहिए और दो मजदूर कम पड़ते हैं। घर आज अपनी घरवाली को लगाता हूँ। सुनो, आज एक दो मजदूर औरतें काम पर नहीं आई। चलो तुम शुरू हो जाओ। अरे रवि भैया, रोपाई का काम ये क्या जाने? नहीं जानती तो क्या, बाकी औरतें क्या माँ के पेट से सीख कर आई हैं? आंखें देखेंगी, हाथ काम करेंगे। आ जाओ मैदान में, आ जाओ। अरे घूर के क्या देख रही हो, कीचड़ में कदम रखते हुए पांव झिझक रहे हैं क्या? उस दिन तो बहुत रोक झाड़ रही थी, ये हमारी जमीन है, मैं ये करूंगी वो करूंगी, आओ करो। अरे चलो। जल्दी जल्दी। भगवान से प्रार्थना करो फसल अच्छी होनी चाहिए, और सबको देख देख कर लगाओ। ओ क्या मिनिस्टर की तरह पेड़ लगा रही हो? देखो कैसे लगा रही है, वैसे लगाओ। ए छोकरी, मेरी चप्पल कीचड़ में खराब होगी, जरा साफ करने से। लोबान, तुम मेरे बाप से रोज 100-100 थप्पड़ खाते हो, वो भी कस कस कर। तुम ये नौकरी छोड़कर दूसरी क्यों नहीं कर लेते? अब पता चला तुम पर असर ही नहीं होता। अबे जा, तू क्या खाक समझा? बिल्कुल नहीं समझा। असल कहानी का ढक्कन तो मैंने तेरे सामने खोला ही नहीं। हाँ, लेकिन अगर तू वादा करे कि ये राज तू अपने बाप पर भी जाहिर नहीं करेगा तो मैं तुझको बता सकता हूँ। मुझ पर विश्वास रखो लोभन, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। सच्चाई ये है कि जब से शैतान ने मेरे गाल का चुंबन लिया था, तब से मेरे गाल में इतनी खुजली उठने लगी कि उसको मिटाने के लिए कस के जूता मारना पड़ता था। अब तुम ही सोचो, अगर दिन में 100 बार मेरे गाल पर मुझे कस के जूते मारने पड़े तो मेरा क्या हाल होता है। नंबर एक, हर हफ्ते नया जूता बदलना पड़ता। नंबर दो, कंधा जड़ से उखड़ जाता। नंबर तीन, कस के जूते मारने के लिए मेरा पूरा वक्त गुजर जाता, तो मैं खाता और कमाता कहाँ से है? उल्टा मुझे एक नौकर रखना पड़ता जो दिन में हर 5 मिनट के बाद मेरे गाल पर कस के जूते मारता। दरअसल ये मेरी चालाकी है कि मैं तेरे बाप के पास नौकरी नहीं कर रहा हूँ, बल्कि तेरा सरियल बाप 20 साल से मेरी नौकरी कर रहा है। वो कस के थप्पड़ मारता है और मेरी खुजली मिटाता है, और साथ में पैसे भी देता है मेरी भूख प्यास मिटाने के लिए। बेवकूफ, अब तुम ही बताओ, दुनिया में इससे वफादार नौकर कहीं किसी को मिल सकता है? नहीं। मगर अगर तेरा बाप ये समझता है कि मैं उसकी नौकरी करता हूँ तो वो सयाना नहीं, बहुत बड़ा बेवकूफ है। अच्छा, तो मैं बहुत क्या है तो मैं बहुत बड़ा बेवकूफ है?
चंडी दास जी नमस्ते। हम नहीं समझते। माफ करना, मेरी काली जबान से कुछ बदतमीजी के शब्द टपक पड़े। मारिए, कसके मारिए। नहीं मेरे प्यारे लुबान, मेरे कदरदान, मेरे उगाल दान, मेरे शराफत के पान दान, आज से मारना बंद। नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? अब मुझे पीठ पीछे तो क्या, अगर सामने भी खड़ा होकर गाली देगा ना तो मारना तो एक तरफ, मैं तुझे छूंगा भी नहीं, क्योंकि तुझे से शराफत के पुतले को मारना महापाप है। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। कौन कहता है कि मैं शरीफ हूँ? मैं बहुत बड़ा कमीना हूँ। हाँ, वो तो मालूम है। कुत्ता हूँ, बल्कि कुत्ता भी जिसे कुत्ता कहे मैं वो कुत्ता हूँ। अच्छा, आपकी थाली में खाकर आपकी पतीली में छेद करता हूँ। मारिए। नहीं, अब तुम किसी भी चीज में छेद करो मगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, क्योंकि तुम शरीफ खानदान के चश्मो चिराग हो, और मैं थप्पड़ मारूंगा तो चिराग बुझ जाएगा, इसलिए नहीं बुझाऊंगा। अरे बेवकूफ, मारना। आहा, मूर्ख, वाह, उल्लू का पट्टा, क्या बात है, कमीना, आहा, कुत्ता, वाह, सड़ा हुआ हाथी, आहा, उल्लू। ऐसी तारीफ मेरी आज तक किसी ने भी नहीं की। एक थप्पड़ नहीं मार सकता गंजे? बिल्कुल नहीं मारूंगा। मैं एक थप्पड़ की भीख मांगता हूँ। मैंने भीख देना बंद कर दिया है। अरे एक थप्पड़ का सवाल है बाबा। जैसे तेरे बाप का माल है बाबा। रहम रहम महाबली, थप्पड़ दे। चली। वो देखो, वो रही तुम्हारी प्यारी सहेली और हमारी कंचन भाभी। हाय कंचन। हाय कंचन। अरे ये क्या, तुम खेत में काम कर रही हो? हम लोग मुंबई जा रहे थे, सोचा तुम्हें भी साथ ले चले, लेकिन जब तुम्हारी हवेली पहुँचे तो पता चला कि किसी अनपढ़ गवार जानवर चाहे के साथ तुम्हारी शादी हो गई है, और वो भी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ। सुनिए, इन्हें मजदूरों की तरह काम मैं करवा रहा हूँ, और वो अनपढ़ गवार जाहिल जानवर मैं हूँ। इस जानवर को रवि कहते हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। किस बात की? एक पढ़ी लिखी एडुकेटेड लड़की से गवारों का काम करवा रहे हो, उसकी काबिलियत को बर्बाद कर रहे हो। अच्छा, अगर पति पत्नी को दफ्तर में काम करवाता तो पत्नी की काबिलियत का सही इस्तेमाल होता, क्यों? बिल्कुल, वरना एजुकेटेड होने का फायदा क्या? ऐसे गर्दन झटकाने से सच्चाई झूठ में नहीं बदल जाएगी। अगर तुम जैसे पढ़े लिखे ऑफिसों में काम करने के बजाय इस देश की धरती पे खेती करें तो ये महान देश खिल उठेगा, हरा इनकलाब आएगा। आज ये देश गरीब है, कल ये सोने की चिड़िया कहलाने लग जाएगा। My God, now I started talking like that Gandhi. Don't you utter that name without respect. Consider yourself lucky that you are born on this pious land where the noble Atma had taken birth. You ill-informed brats, you don't deserve to be called Indians. You should be thankful to God that we work hard in the burning sun to grow crops for you worthless creatures. Now get lost and don't step on this land again with your dirty feet. Get lost! तुम पढ़े लिखे हो? नहीं, सिर्फ पढ़ा हूँ, लिखा नहीं, क्योंकि मैंने कलम की बजाय हल पकड़ लिया। अरे बाप रे, इसने तो सबकी छुट्टी कर दी। कंचन कई काम से पहले पर पहला लिखा। भाभी, भाभी, माँ, ये तो आंख की तरह तप रही है। ओह, हैरा, अब क्या होगा? रवि क्यों बेचारी पर खामखा जुल्म कर रहा है? बड़े घराने की बेटी है, दौलत की छांव में पली है, तूने तो इस बेचारी को तपती धूप में झुलसा कर रख दिया। खड़े खड़े देख क्या रहा है? जल्दी से डॉक्टर को बुला के ला। जा ना, जा। भाभी, आपके लिए जोशानदार देसी दवा बनाकर पिला दूं? तो आपके माता पिता को बुला लाऊं? आप अपने घर जाना चाहती हैं? अब तो मैं अपने पिताजी को बिना मुंह दिखाए ऐसे ही मर जाऊं तो अच्छा है। बेटी को मिलने के लिए इस तरह चोरी छुपे आने की क्या जरूरत है ठाकुर साहब? आपकी बेटी यहां रहती है, आपको उससे मिलने का पूरा अधिकार है। औलाद को दुखी देखकर बाप के दिल पर क्या गुजर रही होगी ये मैं अच्छी तरह जानता हूं, क्योंकि मेरी भी मां है
बाप है, बहन है और दिल भी। बुखार ज्यादा है, थोड़ी थोड़ी देर से कपड़े को नमक के पानी में भिगोकर इनके सर पर रखिए। बुखार कम नहीं हुआ तो फिर मुझे बुला लीजिए। आइए छोटे ठाकुर, आइए। मुझे कंचन से मिलना है। जी हाँ, अंदर आके मिलिए ना। मैं सिर्फ मिलने नहीं आया हूँ, बल्कि उसे अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। आप उन्हें इस हालत में कैसे ले जा सकते हैं? तेज बुखार की वजह से नीम बेहोशी की हालत में है। वो किसी भी हालत में हो, मैं उसे यहाँ से लेकर जाऊंगा। उसे यहाँ मरने नहीं दूंगा। अगर उसे मरना है तो हमारे घर में मरे, इस दम घुटने वाले झोपड़े में नहीं। तो फिर आप यहीं रुकिए। इस वक्त माँ और भैया घर पर नहीं है। वो आ जाए, उनसे पूछ लीजिए, उनसे इजाजत लेकर आप भाभी को ले जा सकते हैं। अपनी बहन को ले जाने के लिए मुझे किसी की इजाजत की कोई जरूरत नहीं। और उनकी इजाजत के बिना अपनी भाभी को ले जाने की इजाजत तो मैं भी नहीं दे सकती। तू कौन होती है मुझे रोकने वाले? मैं कौन होती हूँ ये आप अच्छी तरह जानते हैं, बताने की जरूरत तो नहीं है। जानता हूँ। अपने पति की ठुकराई हुई औरत, अपने मनुष्य साय से खुद के घर को बर्बाद करने वाली मनुष्य औरत है तू। पहले चौकट से कदम बाहर निकालिए। बकवास बंद कर। हट। रास्ता बगा। जब तक तुम अपने दिल से मुझे पति स्वीकार नहीं करोगे, तब तक मैं तुम्हें नहीं छूऊंगा। अपनी मां के चरणों की सौगंध। देखभाल और प्यार की हकदार नहीं हूं, मुझे मर जाने दो। ऐसा मत कहो, पगली कहेगी। वो अभी बच्ची है, हर माँ अपने बच्चों से तंग आकर इस तरह नाराज हो जाए तो दुनिया का कोई बच्चा बड़ा हो ही नहीं सकता। मैं बीते हुए कल को भूल चुकी हूं, तू भी भूल जा, बिल्कुल भूल जा। माँ जी, कितना बड़ा दिल है आपका, मैं अपनी हरकतों पे बहुत शर्मिंदा हूँ। हो सके तो अपनी इस गुनहगार बहू को क्षमा कर दीजिए। मैं जिस घर में बहू बनकर आई हूँ, ये घर घर नहीं मंदिर है, और आप हमारे लिए भगवान हैं। मेरी बच्ची, आज माँ मैं भैया को जाके बता के आती हूँ कि भाभी ठीक हो गई। क्यों रे चम्मक चलो, उस दिन तो बड़ी सती सावित्रियों जैसे बातें कर रही थी, अब आधी रात को कहां से और किस यार से मिलकर आ रही हो? जबान संभाल कर बात करो शक्ति सिंह, मैं अपने भैया को तलाश कर रही हूँ। वो कमीना भी कहीं गुलछर्रे उड़ा रहा होगा। कुत्ते कहेंगे, मेरे भैया ने तुम्हें इस तरह मुंह से गंदे शब्द निकालते हुए सुन लिए ना तो तुम्हारी जबान काट देंगे। अरे जा जा जा, अपने भाई का हुआ मत बना। अजब तेरी कुदरत, अजब तेरा खेल, चुचुंदर के सर में चमेली का तेल। अरे तेरा भाई कौन सा गैरतमंद इंसान है जो आधी रात को रंग रलिए मनाने के लिए तुझे बाहर छोड़ देता है और खुद चादर ओढ़ कर सो जाता है? मना तो उस हराम के पिल्ले को चाहिए, और वो भी चुल्लू भर पानी में।
अब मैं इस अपमान को तेरी साड़ी के साथ पहुंचूंगा। तूने मेरे मुंह पे थूका था ना। अब ये हुलिया लेकर गांव के अंदर जा, हर गली हर घर का आदमी तेरे मुंह पे थूकेगा। तेरे भाई ने मेरी बहन की इज्जत को उछाला था, मैं उस हरामजादे की इज्जत को मिट्टी के अंदर मिला दूंगा। हमारे खानदान का सर झुकाया था उसने, अब उस कमीने का सर झुक जाएगा जब उस हुलिया के बारे में ना किसी से कुछ कह सकेगा और ना कुछ सह सकेगा। हमारे खानदान पर तो कीचड़ उछला था, आज उसका बदला पूरा हो गया। कम ऑन एडवर्ड। हजारों लोगों के पेट में आग लगा दी। ये आग उस आग के मुकाबले में कुछ भी नहीं है भैया, जो उस पापी ने मेरे मन में लगाई है। गरीब घास फूस की झोपड़ी में अपनी इज्जत को बचा कर रखता है, लेकिन आज उस शैतान ने बेइज्जती की आग देखकर हमारी झोपड़ी की इज्जत को जलाने की कोशिश की है। और जब तक मैं इस अग्नि में नहा न लूं, मेरी मन की आग नहीं बुझेगी। कौन है, किसकी बात कर रही है तू? ऊंची कोठी में रहने वाला नीच इंसान, तुम्हें जलील करने के लिए, तुम्हारा सर नीचा करने के लिए। हाथ में कुत्ते की जंजीर लिए वो कुत्ता आया और दोनों कुत्ते ने मिलकर मेरी साड़ी को तार-तार कर दिया। भैया, उसने तुम्हारी बहन की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। ये मशाल मुझे दे, मैंने अगर उसको और उसके खानदान को जलाकर राख न कर दिया तो मैं अपनी माँ का बेटा नहीं। उदा की झोली में तुम्हारी बहन की इज्जत भी जलकर राख हो जाएगी। आज तक मैं एक ही आस पर जी रही हूँ कि कभी तो मेरे पति का दिल बदलेगा, उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा, मुझे स्वीकार करके अपने घर ले जाएंगे। लेकिन तुम्हारी लगाई हुई आग इस गांव में तो क्या, आसपास के 50 गांव में मुझे बदनाम कर देगी, फिर वो मुझे कभी स्वीकार नहीं करेगी। और तुम्हारी बहन सुहागन होते हुए भी विधवा की मौत मर जाएगी। लक्ष्मी, लोग इसी तरफ आ रहे हैं, अगर तू चाहती है ये बात किसी को मालूम ना हो तो जल्दी यहां से भाग जा। और तुम मेरी परवाह मत कर, वरना सबको पता चल जाएगा। जब भाग जा लक्ष्मी भाग, नहीं तुझे मेरे सर की कसम, भाग। अच्छा तो ये आग तूने लगाई है? हाँ, ये आग लगाकर मैंने तेरी चिता तैयार की है, मारो साले को। आग, you
खड़ा है, बोल क्यों आग लगाई थी तूने गोदाम में? क्या कसूर था ठाकुर साहब का? क्या पाप किया था इन्होंने? वो क्या पाप था सिर्फ मैं जानता हूं, मेरा भगवान जानता है और पाप करने वाला जानता है। मैं उस जिन्होंने पाप का जिक्र अपनी जबान पर लाना भी नहीं चाहता। कौन सा पाप? किसने किया पाप है? मुझे बता। अरे मुझसे बात कर कमीने, नजरें झुका क्यों खड़ा है तू? नजरें झुकाकर इसलिए खड़ा हूं कि मेरी आंखें तुम्हारी मनुष्य शक्ल देखना नहीं चाहती। देखो साले हराम खोर को, एक तो रंगे हाथों पकड़ा गया, फिर भी ना तो उसका घमंड कम हुआ ना इसकी चर्बी कम हुई। गरीबों के शरीर पर तुम दौलत वालों ने चर्बी छोड़ी कहां जो कम होगी? गरीबों का खून चूसकर चर्बी तो तुम लोगों ने अपने शरीर पर चढ़ा रखी है। लेकिन याद रखना, जब तुम लोग मरोगे तो तुम्हारी चिता की आग बनकर तुम्हारी मनुष्य चर्बी तुम्हें जलाने से इनकार करेगी। जंगली जानवर और कुत्ते तुम लोगों को लोच लोच कर खाएंगे। देखा है अपने बेटे की जहरीली जबान को? अरे ये तेरे सामने तेरे मालिक का अपमान करता जा रहा है और तू खड़े खड़े सब कुछ सुन रहा है? तू है तेरी वफादारी पर? नहीं मालिक, आप हुक्म दीजिए, आप जो कहें वो सजा मैं इसे देने को तैयार हूँ मालिक। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो संतोष से इसे इतना मारता के साथ मरा कर देता और तब तक मारता रहता जब तक ये उसकी वजह नहीं बता देता और अपने किए की माफी नहीं मांगता। सांस ले लीजिए पिताजी, थोड़ा पानी पी लीजिए, अब थक गए हैं। बहुत हो गया नाटक, तू हट बुढ़े। ठहरो, तुम कौन होते हो इन्हें इस तरह सजा देने वाले? और तू कौन होती है इसकी तरफदारी करने वाली? मैं कौन होती हूँ? तुम्हारे पिता ने एक जुआ खेलकर इनके और मेरे बीच एक रिश्ता कायम किया था, याद है ना? उस रिश्ते के हिसाब से मैं इनकी पत्नी लगती हूँ। बड़ी आई पत्नी बनने वाले? तुम्हें इसका खून बहाने का कोई हक नहीं है। दास, ये तुम कह रहे हो? हाँ मैं कह रहा हूँ। जानते हो कितना बड़ा अपराध किया है इस कमीने ने? जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि वो कौन कमीना है जिसने अपराध किया है, और ये भी जानता हूँ कि ये गैरतमंद इंसान बेगुनाह होते हुए भी अपनी जबान बंद किए तुम्हारा हर जुल्म सहता जा रहा है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकता नहीं हूँ बल्कि फरमा रहा हूँ, और अगर मेरा फरमाना तुम इस दामू की जबानी सुनोगे तो तुम्हारे पैरों तले की जमीन फट जाएगी और पूरे दब जाओगे अंदर। कोई अपनी जबान नहीं खुलेगा। नहीं रवि, मेरी इज्जत रखने के लिए तुमने बहुत कुछ बर्दाश्त कर लिया। लक्ष्मी अगर तुम्हारी बहन है तो मेरी पत्नी भी है, उसकी इज्जत पहले मेरी इज्जत है, बाद में तुम्हारी है, और उसके बाद इन गांव वालों की है जिनकी ये बेटी है। अरे क्या आपस में पंचायत बनाकर फैसला कर रहे हो? मुझे बताओ कौन बेटी, किसकी इज्जत, किसकी पत्नी? मैं बताता हूँ किसकी पत्नी। नहीं दामू, कुछ नहीं बताना। मेरी पत्नी लक्ष्मी, जिसका वस्त्र हरण तेरे जलील और कमीने बेटे ने किया है,
रात के अंधेरे में मेरी पत्नी की आबरू को अपने हवस की आग में जलाने की कोशिश की, इसलिए मेरी पत्नी ने जलकर तेरे गोदामों में आग लगा दी। अबे हरामजादे नामर्द की औलाद, एक मजबूर लाचार औरत के साथ जोर आजमाई करता है। अगर तू मर्द है और ये मूछ दुनिया को धोखा देने के लिए नहीं रखी है तो ले, ये तेरे सामने खड़ी है, छू कर बता इसे हरामजादे, छू कर बता। मारे बगैर नहीं छोड़ूंगा मैं, इस कुत्ते को सजा दिए बगैर नहीं छोड़ूंगा। इसे सजा मिलेगी, सारे गांव के सामने मिलेगी। चलो तुम चलो ठाकुर, उठाओ ये कोड़ा और उधेड़ दो इसकी खाल, मारो इसको, इसकी रगों से इसका पापी खून निचोड़ डालो। सोच क्या रहे हो, तुम्हें सजा देनी होगी इसको, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तुमने एक बेगुनाह बेटे को उसके बाप के हाथों पिटवाया है। तुम्हें अपने गुनहगार बेटे को सजा देनी होगी। चलो ठाकुर उठाओ उठाओ, बस इतना इंसाफ करना जानते हो तुम। गोविंद गोविंद गोविंद, तुम सारी जिंदगी इन शैतानों की वफादारी करते रहे और आज उसी वफादारी के बदले इन्होंने तुम्हारी बेटी के दामन पे हाथ डाला है। आज मौका है गोविंद, अपनी वफादारी की कीमत वसूल कर लो इन शैतानों से, आगे बढ़ो, वरना कल कोई बाप अपनी बेटी की इज्जत नहीं बचा सकेगा, कल कोई भाई अपनी बहन की आबरू नहीं बचा सकेगा। आगे बढ़ो गोविंद, चलो गोविंद आगे बढ़ो। ठाकुर, आज तक तेरी हर ठोकर में सहता रहा, तेरा हर जुल्म हुक्म की तरह सहता रहा, जहां तेरा पसीना बहा वहां मैंने अपना खून बहाया, और आज तेरे इस नापाक खून ने मेरे खून की ये इज्जत की, मेरी बेटी की इज्जत लूटने की कोशिश की। चल चल उठा हंटर और मार इसे, कस के मार, जैसे मैंने आज अपने बेगुना बेटे को मारा। चल उठा हंटर, मार। बड़े आदमी का चोला पहनकर बड़ेपन का ढोंग रचाने वाला इंसान अगर छोटी हरकतें करे तो जरूरी नहीं कि उनसे बदला लेने के लिए हम भी छोटे बन जाएं और इंसानियत को भूल जाएं। अरे ये कहे के बड़े हैं, इनके पास तो बहुत दौलत है जो कभी भी खत्म हो सकती है, चोरी हो सकती है, लेकिन हम गरीबों के पास तो इज्जत की दौलत है, शराफत का खजाना है जो ना कभी खत्म हो सकता है ना चोरी हो सकता है। हम इनकी तरह शराफत के गरीब नहीं, हम बहुत अमीर हैं, और आज हम अमीर इन शराफत के गरीबों को माफ करते हैं, यही इनकी सजा है। भाइयों मेरी तरफ से इन लोगों को माफ कर दो, हाँ बचाओ अपना भी घर जाओ। चल लक्ष्मी घर चल। मेरा सारा शरीर जख्म से भरा हुआ है और तुम मुझे छू रही हो। हाँ, क्योंकि तुमने मुझे ना छूने की अपने माँ के चरणों की जो सौगंध खाई थी, आज तुम्हें खुद छूकर मैं तुम्हें उस सौगंध से आजाद करती हूँ। मेरे सर की कसम, नहीं, तुम्हारे चरणों की सौगंध